सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो कंप्यूटर का मॉक टेस्ट है, सेक्शनल मॉक टेस्ट। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके कंप्यूटर नॉलेज के, जो JKSSB सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कंस्टिट्यूट्स द, क्या बोलेंगे उसको? ह्यूज नेटवर्क, बहुत ज़्यादा ह्यूज नेटवर्क है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का नेटवर्क है, कंस्टिट्यूट था क्या बोलेंगे उसको? इंटरनेट बोलते हैं, सैटेलाइट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलेंगे, ईमेल बोलेंगे। तो जल्दी से जो भी इसका आंसर है वो आप जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरनेट। सो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? इंटरनेट विल बी द करेक्ट आंसर। विकास, इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइडिंग ए वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यूजिंग द स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। देखो इंटरनेट में दो तरह के प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, TCP और IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बारे में याद रखना, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं TCP और IP के लिए। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन डैश लेआउट हीडिंग कैन बी डिस्प्लेड हाइडिंग द टेक्स्ट अंडर दैम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, किस चीज़ में आपको, किस आउटलाउट में ये चीज़ आपको दिखेगी जो टेक्स्ट अंडर द माइक्रोसॉफ्ट में हाइडिंग? वेब दिखेगा, आउटलाइन का अगर जो MS वर्ड अगर आप खोलते हो तो ओपन करते हो तो उसमें MS वर्ड में आपको आउटलाइन लेआउट पे ये चीज़ दिखेगी, रीडिंग में दिखेगी, प्रिंट में दिखेगी। देखो ऑप्शन जो है वो थोड़े इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है, सो आउटलाइन विल बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्योंकि ये चीज़ हमें पता है। सो एक्सप्लेनेशन इज इन आउटलाइन लेआउट हैडिंग कैन बी डिस्प्लेड, हैडिंग जो होगी डिस्प्ले हो जाएगी हाइडिंग द टेक्स्ट अंडर दैन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट होल्ड्स अ टेक्स्ट एंड नंबर, क्या चीज़ है वो? इन MS Excel में वर्कबुक होती है, वर्कशीट होती है, फाइल होती है, रिकॉर्ड्स होते हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वर्कशीट, वर्कशीट विल बी द आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इज अ कलेक्शन ऑफ रोज कॉलम्स दैट होल्ड द टेक्स्ट एंड नंबर्स, आंसर बी यहाँ पे वर्कशीट हमारा बिल्कुल सही हुआ है। वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड नंबर्स दैट होल्ड द टेक्स्ट एंड नंबर को होल्ड करेगा। इट इज़ अ वर्किंग सरफेस यू इंटरेक्ट टू इंटर डाटा इन एक्सेल में, आपको इंटरेक्ट करवाएगा जो डाटा आप इंटर करोगे एक्सेल में। ईच वर्कशीट कंटेन्स इतनी रोज, इनको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हर एक वर्कशीट में कितनी रोज होंगी यहाँ पे देख लो आप कि 10,48,576 रोज होंगी, 60,384 इसमें क्या होंगे कॉलम्स होंगे ईच वर्कशीट में, एंड सर्व्स एज द ज्ञान टेबल दैट अलाउज टू ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको अलाउ करेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि रोज का आप स्क्रीनशॉट इसको देख लें, इसको नोट कर लें कि टोटल रोज कितनी होती हैं और एक कॉलम्स इसमें कितने ऐड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस क्या नहीं है? हायरार्किकल है, बिल्कुल है, रैशनल नेटवर्क, ट्रांजिशन यहाँ पे गलत आंसर है, ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट आर, कंट्रोल यूनिट के फंक्शन क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग द यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर। सेकेंड ऑप्शन, इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर, ओके। इट थर्ड ऑप्शन इज इट ऑब्टेन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी इंटरप्रेट्स दैम एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ? तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि जावा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, जावा जो एक लैंग्वेज है, कमेंट बॉक्स में बताना कि जावा जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है कि लो लेवल लैंग्वेज है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? इसको किया सन माइक्रो सिस्टम ने, किसने किया? सन माइक्रो सिस्टम से इसने इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन, विंडोज़ है, टास्क बार है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर है या फिर आइकन है? सो राइट ऑप्शन विल बी आइकन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट टर्म इज़ यूज टू आइडेंटिफाई पीपल कमिंग टूगेदर फ्राम वेरियस जियोग्राफिकल लोकेशन टू कम्प्लीट सम टास्क ऑनलाइन,
उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि बहुत सारे अलग से जगह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से लोग इकट्ठा होते हैं एक लोकेशन पे आके एक टास्क को कंप्लीट करने में आते हैं ऑनलाइन। उसको आई टीम बोलेंगे वर्चुअल। देखो आपका ई गवर्नेंस एक टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऑनलाइन वर्क ग्रुप या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड टीम बोलेंगे उसको। जल्दी से बताओ। सो वी कैन कॉल इट वर्चुअल टीम। क्या बोलेंगे इसको? वर्चुअल टीम विल बी द आंसर। कि वर्चुअल टीम्स आर द ग्रेट वे टू इनेबल द नेटवर्क टीम वर्क इन द सिचुएशन वेयर द पीपल आर नॉट सिटिंग इन द सेम फिजिकल ऑफिस एट द सेम टाइम। यहाँ पे नहीं बैठ सकते। सच टीम्स आर यूज्ड मोर एंड मोर बाय द कंपनीज एंड अदर द ऑर्गेनाइजेशन टू कट ट्रैवल रिलोकेशंस रियल इस्टेट एंड द अदर बिजनेस कॉस्ट। इस चीज़ सबको देखा के सिटिंग नहीं कर सकते हैं वो, तो वो इस चीज़ को एक आसान तरीके से करने के लिए वो ऑनलाइन एक सिस्टम पर बैठेंगे, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल टीम्स। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई प्रोम इज जनरली इरेज्ड बाई यूजिंग। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ई प्रोम की मुझे फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में, होमवर्क में। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि ई प्रोम किस पे स्टैंड करता है। ई प्रोम इज जनरली इरेज्ड बाई यूजिंग द अल्ट्रा वायलेट रेस, इन्फ्रा रेस, 12B इलेक्ट्रिकल पल्स या फिर 24 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पल्स। सो अल्ट्रा वायलेट रे विल बी द आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली कलेक्ट्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब क्लाइंट्स इंटरनेट हैबिट्स। सॉफ्टवेयर ऐसा जो कि सीक्रेटली कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन किसकी? क्लाइंट्स की, इंटरनेट हैबिट्स की, सॉरी इंटरनेट की, और अपनी एक उसकी हैबिट हो। डिटेक्ट वेयर बोलेंगे, स्पैम बोलेंगे, स्पाई वेयर या फिर फार्मिंग। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पाई वेयर, जिसको हम जासूस के नाम से जानते हैं, स्पाई वेयर। स्पाईवेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स ए यूजर्स टू ऑब्टेन द कवर इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर कंप्यूटर एक्टिविटी ट्रांसमिटिंग डेटा कवर्टली फ्रॉम देयर हार्ड ड्राइव। तो अपने ही हार्ड ड्राइव से उसको ट्रांसमिट करेगा डेटा स्पाईवेयर। ये क्या करेगा? दिखेगा तो आपको ये मतलब ये ठीक, बट ये जासूस की तरह काम करता है, बट ये है कि वायरस है ये। ठीक है, सो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? 10 में से आपका जितना भी स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है दोस्तों। सो आपके लिए होमवर्क का एक और क्वेश्चन रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि VAN स्टैंड किसके लिए करता है। सुपरवाइजर फीमेल के लिए आज का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। JKSSB की अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडेड नेटवर्क होगा, वैल्यू एड नेटवर्क होगा, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क होगा, या फिर वैल्यू एरिया नेटवर्क होगा। जो भी इसका आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो अब आपको मिलने वाली है। सो बाय, टेक केयर।